इसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल जो कि आपका बेस्ड है मेटासेंट्रिक हाइट और बायोएंसी फ्लोटेशन टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा हुआ आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, न्यूमेरिकल लिखा हुआ है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 3 मीटर। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, इसकी ये डायमीटर दिया हुआ, ये बेसिकली आपका प्लान है और ये एलिवेशन है। तो डायमीटर कितना दिया है, इसका डायमीटर दिया है आपका 3 मीटर। ठीक है, एंड हाइट ऑफ 2 मीटर, इसकी जो हाइट है ये हाइट आप फ्रंट से देखेंगे, ये एलिवेशन और इसको प्लान बोलते हैं, ये प्लान मतलब टॉप व्यू और ये एलिवेशन। ठीक है, और हाइट इसका कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। ओके, विथ व्हेन इट इज़ फ्लोटिंग इन द वाटर विद द इट्स एक्सिस वर्टिकल, मतलब इसकी एक्सिस ऐसी है, यदि ये वाटर है, ये वाटर है प्लेन पेपर की डायरी, तो इसका एक्सिस ऐसा है, ये मतलब इस तरह से फ्लोट हो रहा है। ओके, द स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है इसमें सिलेंडर की 0.7। ओके, तो इस स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है तो डेंसिटी ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, सीधा सा होता है भी, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, डेंसिटी आ जाएगी, तो 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये आगा आपका 700 kg/m³। अगला, अब आपको इसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा बायोएंसी वाला कि वेट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो वेट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, एम जी ऑफ सिलेंडर इक्वल्स एम जी वाटर जो कि आपका डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, तो वाटर डिस्प्लेस्ड कौन सा होगा, बेसिकली ये वाला एरिया। ठीक है, इसमें हम इसकी हाइट मान लेते हैं h, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, वेट ऑफ सिलेंडर को क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ सिलेंडर को आप लिख, ये जैसे यहाँ पे मास है, ठीक है, तो मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 2g, सिलेंडर इक्वल्स क्या जाएगा आपका, ये वाटर डिस्प्लेस है तो ये रो, किसका रो लेना है लेकिन वाटर का। ठीक है, तो v वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना हुआ, इंटू जी। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू मैंने पुट अप की, रो सिलेंडर की डेंसिटी कितनी है, 700। अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, 54d² इंटू हाइट, हाइट कितना है इसका, सिलेंडर का 2। ठीक है, अच्छा डायमीटर की वैल्यू दी है, यह वॉल्यूम निकला है इंटू जी इक्वल्स वाटर की डेंसिटी 1000 वी। अब कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, तो ये वाला वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है ना, इतना जितना पोर्शन आपका डूबा हुआ है, तो हम मान लेते हैं ये नहीं दिया हुआ है उसमें कितना पोर्शन डूबा हुआ है, तो मान लेते हैं जो एच है ये हाइट डूबा हुआ है ना, इतना पोर्शन डूबा हुआ है, तो इसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन तो इसका यही रहेगा इंटू ये हाइट, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, मतलब ये जैसे ये है तो इसका ये वाला पोर्शन डूबा हुआ है, मान लीजिए ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन डूबा हुआ है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया मल्टीप्लाइड बाई ये हाइट ले ली, तो पाई 4d² सेम डी रहेगा ये वाला, क्योंकि जितना इसका जितना वॉल्यूम डूबा होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड होगा, है ना, ये तो सिंपल लॉजिक है, इंटू एच इंटू जी, तो जी से जी कैंसिल आउट, पाई 4d² से पाई 4d² कैंसिल आउट। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बचा, 700 इक्वल आ गया आपका, ओके इसमें 2 और बचा, 700 इंटू टू इक्वल आ गया आपका 1000 इंटू एच, तो यहाँ से एच निकालो, वो देख कितना जाएगा, 1400/1000, मतलब एच की वैल्यू आ गई आपका 1.4 मीटर।
ठीक है, ये h की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, h की वैल्यू आ गई और अब आपको निकालना है मेटा सेंटर, ठीक है, मेटा सेंटर गाइड। तो मेटा सेंटर गाइड क्या होती है, जीएम, जीएम क्या होता है, आई अपॉन वी, इसमें आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वी क्या है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस माइनस बी जी, ठीक है, बी की बी जी क्या है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बायोन्सी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए ये एच यहाँ पे सेंटर ऑफ बायोन्सी वगैरह हम लोकेट कर देते हैं, तो ये यहाँ से लोकेट किया, बॉटम से हम लोकेट करते हैं, तो ये एच आपने एच की वैल्यू कितना 1.4, तो बी जो बी लोकेट होगा ना, चूँकि आपका टोटल जो पोर्शन है ये डूबा हुआ है ये कितना है 1.4 है, तो सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होगा यहाँ पे बीच में लाई करेगा 1.4 के बीच में, मतलब 0.7, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी आपकी 0.7, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐसे ये 2 है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा 1 पे लाई करेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक ये 1, ठीक है, तो ये आपका क्या है जी है और ये क्या है बी, ये सेंटर ऑफ बायोन्सी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो बी जी की वैल्यू तो आपको समझ में आ गई, बी जी कितना आ जाएगा मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 1 माइनस 0.7 मतलब 0.3, ठीक है। अब आई निकालते हैं, सर्कुलर सेक्शन का आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64, तो पाई डी की वैल्यू रख देते हैं 3 टू दी पावर 4 अपॉन 64, शिफ्ट पाई इंटू 3 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 64, ओके, तो ये आ गया आई की वैल्यू 3.976, आई इक्वल्स आ गया 3.976 और ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या होगी मीटर टू द पावर 4। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस निकाल लेते हैं वी, तो ये क्या होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच, तो डी की वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर और एच कितना है, हाँ एच इसमें कौन सा लेना है लेकिन जो डिस्प्लेस्ड वाला है, तो एच की वैल्यू कितनी है 1.4, इसको सॉल्व कर लेते हैं, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1.4, ठीक है, तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इक्वल्स आ गया 9.896 मीटर क्यूब। तो अब ये वैल्यू पुट अप कर देते हैं इस फार्मूला, ये जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फॉर्म वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो जी एम इक्वल्स आ गया आपका आई की वैल्यू 3.976 अपॉन वी 9.896 माइनस 0.3। अब भाई निकाल लेते हैं इनकी वैल्यूज़ को, अभी हमने आंसर में है ऑलरेडी ये वाली वैल्यू, तो अब 3.976 डिवाइडेड बाई आंसर तो आ गया 0.4017 माइनस 0.3, तो आंसर में से माइनस कर देते हैं 0.3, तो ये आपकी वैल्यू आ गई जी एम इक्वल्स आ गया 0.1017 मीटर, ठीक है, ये आ गई आपकी मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है, मेटासेंट्रिक हाइट आ गया।